दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काला। पांटा में गोवंश को बचाने के लिए गौ सेवक आगे आए हैं और एसडीएम पांटा को ज्ञापन सौंपा है। हुआ यूं कि सड़कों पर लावारिस गोवंश को लेकर गौ सेवक सचिन ओबेरॉय ने मिनी सचिवालय पांटा साहिब के सामने 24 घंटे तक सांकेतिक अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने सड़कों पर तड़पते और सरकारी गौशालाओं में कैदियों जैसी यातनाएं सहते गोवंश की दशा को सुधारने के लिए एसडीएम के माध्यम से डीसी सिरमौर को ज्ञापन भी भेजा। सचिन ओबेरॉय ने कहा, जिला में सैकड़ों गौवंश सड़कों पर तड़प तड़प कर मरने को मजबूर है। हजारों सरकारी दावों के बाद भी संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए आंखें मूंदे बैठा है। निर्माण करा रहे हैं, आखिर वो गौशाला है कहाँ, हमें भी बताया जाए वो गौशाला कहाँ है, ताकि हम भी वहाँ गौशाला जो आवारा गौ वंश सड़कों में घूम रहा है वहाँ बांध सके। हमारी तो सरकार से एक गुहार है, आज एक सांकेतिक धरने के रूप में श्रीमान सचिन जी एक दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं गौवंश के संरक्षण के लिए, ताकि सरकार जो सोई हुई है गहरी निद्रा में वो थोड़ा सचेत हो जाए, नहीं तो एक उग्र आंदोलन आने वाले समय में हो जाएगा गौवंश के संरक्षण के लिए। पर ये है, अब वो किस हाल में और क्यों आया वो तो सभी जानते हैं क्यों आया, लेकिन सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था, खासकर अभी जयराम सरकार ने, कि इन सभी के लिए कुछ अनुदान दिया जाएगा और काउ सेंचुरीज का भी हर ज़िले में निर्माण होगा। लेकिन काउ सेंचुरी लगभग 200 करोड़ से बनी, हर ज़िले के 2,000 गोवंश को वहाँ रखने की भी बात कही गई, लेकिन फिर भी आज हर जगह जो गोवंश है वो सड़कों पर ही मर रहा है, दूसरों को भी मार रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, फसलों के नुकसान भी हो रहे हैं और गाय माता तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। उसके अलावा जो सरकारी गौशालाएँ हैं, लाखों करोड़ों का उसमें फंड आता है, सरकारी गौशाला में तो फंड की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप नाहन की बालासुंदरी गौशाला देख लें, बद से बदतर हालात है, सड़कों पर गोवंश को छोड़ा हुआ है, उसी के बाहर लगभग उसी के बाहर दर्जनों गोवंश तो उसके बाहर ही बैठा हुआ है। उसके बाद पांवटा साहिब की जो नगर परिषद है इसकी जो गौशाला है सरकारी, तो इसके हाल अगर आप देखें तो यहाँ मरने को तड़प तड़प कर गोवंश जो है मजबूर हो रहा है, एक दिन का दाना भी वहाँ पर नहीं है, कोई व्यक्ति भी अटेंडेंट भी नहीं है, तो इतनी दुर्दशा, आप इससे अच्छा तो गाय को जो आप ये काले पानी की सजा दे रहे हो, इससे अच्छा तो कहीं गोली मार दो, आप कसाईखाना भेज दो, एक बार तो रोएगी एक बार तो चिल्लाएगी, आपको माँ की भी कदर नहीं है इसका, आप दूध पी करके आपको कोई इतनी भी आपको सोच नहीं आई कि हम इस गाय के लिए कुछ कर दें, ये कम से कम देखना चाहिए कि गौशालाओं में व्यवस्था कैसी है। दूसरा, हमने अपनी 4 मांगे रखी हैं कि 3 दिन 4 दिन का हमने वक्त दिया है उसमें, और समूचा जो सिरमौर है उसमें से सरकारी गौशालाओं में सभी गोवंश को पहुंचाया जाए, उसके बाद अगर सोमवार तक सरकार या प्रशासन हमारी बात ये नहीं मानता है तो हम नाहन जो पशुपालन विभाग का जो दफ्तर है, जिला मुख्यालय है, वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन उसके बाद अनशन पर बैठ जाएंगे, हमारे ये गौवंश भी हमारे साथ ही जाएगा। आपने देखा होगा हमने जो ज्ञापन डीसी साहब को दिया है उसमें गाय माता के भी जो पंजे का निशान है वो भी उसमें लिया है, और ये भी इसमें भी हमने लेकर के जो है गाय का, और हम लोगों ने भी उसमें हस्ताक्षर किए हैं, और गाय का जो पंजा है उसमें भी हमने लिया है ये, और गाय माता की तरफ से और गौ सेवकों की तरफ से हमने आज ये ज्ञापन दिया है डीसी साहब को, और इसी विषय में आज हम 24 घंटे का जो अनशन है वो एक सांकेतिक है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, हमने किसी की शांति नहीं भंग करनी, हम कोई अनुशासन का जो है वो कोई तोड़ेंगे नहीं, कोई भी यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अपनी एक मांग को रख रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम यही मिनी सचिवालय के बाहर आज बैठेंगे और कल शाम तक हम अनशन पर बैठेंगे, और हमारी गौ माता भी है ये भी हमारे साथ ही बैठेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काला अम्ब लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ISO 9001 द्वारा प्रमाणित है, साथ ही 5-स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान बीटेक, एलएलबी, बीए एलएलबी, बीसीए, बीबीए, एमबीए, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, जेबीटी, बीएड आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है।
संस्थान में सभी विषयों के लिए अति आधुनिक लैब व संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है। डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के साथ ही संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एससी एसटी और ओबीसी श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।